नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तनवीर में। दोस्तों, सभी जानते हैं कि WhatsApp एक मैसेजिंग ऐप है जिसके ट्रिक की बात कर रहे हैं। इस ट्रिक से हम ये जानेंगे कि कैसे पता करें कि हमको किसी ने WhatsApp पर ब्लॉक किया हुआ है। किसी भी कारणों से कोई भी हमको ब्लॉक कर सकता है। हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी हमको ब्लॉक किया हुआ है या नहीं, मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा और एक आप पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमको ब्लॉक किया हुआ है या नहीं। तो पहला पॉइंट, आपको यूजर ने ब्लॉक किया हुआ है तो सबसे पहले पॉइंट, जिसने ब्लॉक किया हुआ है उसका ऑनलाइन ना दिखना। जैसे कि हम जिसे चैट कर रहे होते हैं, जिस भी टाइम चैट कर रहे होते हैं, उसका ऑनलाइन दिखाई देना होता है कि आपने क्या मैसेज किया और उसके ऊपर जो भी नाम आप सेव किए रहते हैं ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये ऑनलाइन है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिससे हम चैट कर रहे होते हैं उसका लास्ट सीन दिखाई देता है, लास्ट सीन दिखाई देता है। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो लास्ट सीन नहीं दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस भी व्हाट्सएप यूजर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है आप उसका डीपी नहीं देख सकते हैं। भले ही वो अगर लगाया हुआ है तो आप उसका डीपी नहीं देख सकते हैं। पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी व्हाट्सएप यूजर को मैसेज भेजते हैं तो जब जैसे ही वो रीड कर लेता है, व्हाट्सएप यूजर को मैसेज भेजते हैं तो जैसे ही वो रीड करता है तो डबल चेक आता है। इसके अगर आप व्हाट्सएप किसी भी जिसने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है आप मैसेज भेजते हैं लेकिन अगर सिंगल चेक आ रहा है तो इसका मतलब ये समझे कि आपके व्हाट्सएप यूजर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। अगला पॉइंट, आप कॉल लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप उनको कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं जा रही है व्हाट्सएप पर तो आप ये जान लें कि आपको व्हाट्सएप यूजर ने ब्लॉक किया हुआ है। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट है कि आप किसी भी ग्रुप में उसको जोड़कर चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ऐड करते हैं और ऐड हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है। हम यह भी करके दिखाएं, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, नमस्कार, सब्बा खैर।